हाउ मेनी ऑफ यू नो ट्रिगोनोमेट्री? द चैप्टर नेम इज द ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो हाउ मेनी रेशियोज आर देयर? कितने सारे रेशियोज होते हैं? यस, डोंट नो। रेस्पॉन्ड करो, रेस्पॉन्ड करो, विदाउट रेस्पॉन्ड नहीं होता है। डू रेस्पॉन्ड। हाउ मेनी रेशियोज आर देयर इन ट्रिगोनोमेट्री? सिक्स। देयर आर सिक्स रेशियोज। ओके, देयर साइन, कॉस और कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकांट, कोसीकांट। देर आर सिक्स रेशियोज एंड इट्स डिनोटेड बाय साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। ओके, ऑलरेडी यू नो एनी राइट एंगल ट्रायंगल? लेट अस टेक दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। इफ यू कंसीडर दिस एंगल एज थीटा, देन दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड डिनोटेड बाय पी। दिस इज योर बेस डिनोटेड बाय बी एंड इट इज द हाइपोटेन्यूज। What is your sine theta? It is length of perpendicular upon hypotenuse. Cos theta, base by hypotenuse. Tan theta, P by B. Cosec theta is the 1 upon sine theta, which is the H by P. sec theta, it is 1 upon cosec, sorry, cos theta, which is the h by b. cot theta is the 1 upon tan theta upon p. And from here also you can write tan theta is the sin theta upon cos theta. Okay, that already you know. How many identities you know? कितने सारे identities आपको पता है? There are three identities. One is the what? Sin square theta plus cos square theta is the one. General one. Second one is the sec square theta minus tan square theta is the one. Third is the tan square cos square theta minus cos square theta equal to one. So if we use your a square minus b square, तो आपको क्या मिलेगा? sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta, that is one. Means sec theta plus tan theta, you can write
1 upon sec theta minus tan theta और vice versa. आप प्लस प्लस के लिए इधर माइनस होगा नहीं, इफ यू टेक केयर माइनस ये आपका प्लस होगा. सिमिलरली cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So using previous one, you'll get cosec theta plus cot theta is the reciprocal of cosec theta minus cot theta. आपका plus के लिए minus होगा. If it is minus, then you'll get plus. ठीक है. तो कभी आपको दिखता है 1 upon sec theta minus tan theta, directly you can write sec theta plus tan theta. ये समझा? Yes. जिसको समझ में नहीं आया बताओ. ओके तो बेस्ड ऑन दैट आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस दोज यू हैव डन ऑन योर 10th तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. If 7 sin square theta plus 3 cos square theta is the 5, then find the value of 10 square theta.
solve these questions.
Done. हो गया डन What happened?
किसी को मिला तो बताओ। First one, any answer? What happened? Do you have any answer of any question? What is going on? Second one is the 17 by 18. Okay, then I can't teach you if you're not responding anything. ये मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, I'm not teaching history. मैं इधर कुछ बोल जाऊंगा आप सुन के चले जाओगे. It is not like that. आपको नहीं हो रहा है तो tell me, नहीं हो रहा है. हो रहा है तो बताओ. यह हमें आंसर मिला. इफ यू सीट आइडियली आई लीव दिस क्लास. आई एम नॉट गेटिंग द सम 1 और 2. ओके देन 3, 4, 5 हो गया.
just tell me how many of you joined for IIT JEE. Just raise your hand. One, two, three. Five members. Then what about other? Seven for J. बाकी सबका क्या है? Nine for J. Ten, 11. बाकी सब क्या है? फर्स्ट सिटी अच्छा आप जस्ट लोअर योर हैंड डाउन योर हैंड दो जॉइंट फॉर सीटी प्लीज रेज योर हैंड तो एक सीटी के लिए बाकी 11 जेई के लिए व्हाट अबाउट अदर ओके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मर्चेंट नेवी आई एम नीट स्टूडेंट नेट स्टूडेंट आप इधर क्या कर रहे हैं
बट ये तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये तो बेसिक आप नाइन्थ टेंथ मतलब टेंथ में कर चुके हो. व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? फोर्थ का आंसर वन है. तो आप मुंह को लिए ये आपका माइक ऑन कीजिए आप बताइए. ऐसा कोई दिक्कत नहीं. सर वी कैन राइट साइन साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस कॉस स्क्वायर थीटा द होल रेस टू टू बिल्कुल. बाय यूजिंग आइडेंटिटीज वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज वन देन वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन. ओके अच्छा व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल. आप कुछ बताओगे तो फिर मैं बताऊंगा ना. तो आप ऐसे चुपचाप बैठ जाओगे तो फिर कैसे होगा. यू सेड साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा यू कैन राइट आज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इट. यस सर. ओके तो आप क्या बोल रहे हो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इट. नो नो इफ नो देन हाउ इट इज. सिंपल कंसेप्ट. आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो इसी फॉर्मेट में क्या लिखोगे. ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर बोल रहे हो माइनस हाँ टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर. नहीं नहीं सर दिस वन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट. ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इट. व्हाट इज योर ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे. ए प्लस बी तो होल स्क्वायर.
a square plus a plus b whole square इधर a square plus b square plus 2ab तो a square plus b square को मैं क्या लिखूंगा? a plus b into a minus a plus b into a minus b a plus b into a minus b नहीं नहीं सुना। a plus b the whole square a plus b the whole square a plus b the whole square minus 2ab आप लोग a plus b का whole square कब पढ़े थे बताइए minus 2ab कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़े थे सेवेंथ में एट्थ में कौन सा स्टैंडर्ड में आप a plus b का whole square पढ़े थे एक ही पेन है मेरे पास अच्छा a square plus b square if I write a minus b whole square तो फिर क्या कैसे चेंजेस करना पड़ेगा plus 2ab तो इसके पीछे हम जो आप सेवेंथ एट में कर चुके हैं पीछे हम आधा घंटा वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं अब हम यूज करेंगे साइन रेस टू फोर थीटा प्लस कॉस रेस टू फोर थीटा मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट One. So if you consider A as sin square theta and B as cos square theta, तो ये आपका हो गया A raised to four plus B raised to four. ये CD nine AC 51. आप अपना नाम चेंज कीजिए और म्यूट कीजिए a raised to 4 plus b raised to 4 you can write a square plus b square अच्छा already I have taken a as sin square theta so this one you can write a square plus b square not a raised to 4 b raised to 4 you can take consider this one as a square plus b square a square plus b square you can write a plus b ka whole square minus 2ab what is your a plus b aapka kitna ho raha hai 1 square theta plus cos That is one. तो अभी a plus b के जगह आप one लिख सकते हो one का square one minus two ab two sin square theta cos square theta. तो this is the ये आपका final simplification one minus two sin square theta cos square theta. This is sin raised to four plus cos raised to four.
अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू? ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस, एक होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक क्या फॉर्मूला था? और एक भी फॉर्मूला था, क्या था? और एक फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री बी प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी तो वो तो ए व्हाट यू आर सेइंग इट इज ए इनटू ए प्लस प्लस बी बी। होल क्यूब, वो जो आप बोल रहे हो ना दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इनटू ए प्लस बी। ठीक है, यहां से आप निकालो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होगा? ए प्लस बी होल क्यूब विद ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू। अब इसको यूज करके फाइंड आउट साइन रेस टू सिक्स प्लस कॉस रेस टू सिक्स, फाइंड आउट। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, ये फाइंड कीजिए।
मिला? हाँ सर, क्या मिला? 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। गुड, दैट यू कैन राइट 1 माइनस, ये क्या लिख सकते हो, ये फॉर्मूला डाल दो। तो ए के जगह मैंने रखा था साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह रखा था कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस 3 AB इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो दिस वैल्यू बिकेम 1 1³ - 1 माइनस 3 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी 1 हो गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो sin²⁶θ प्लस cos²⁶ आपको मिलेगा 1 - 3 sin²θ cos²θ। ये आपका कौन सा, फिफ्थ वन? यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इज द फाइव। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा, मेरे पास साइन है, कॉस है, कंस्टेंट भी है, क्या करने से मुझे टैन मिलेगा? सर दिस कॉस इज द स्क्वायर फिगर। थीटा से डिवाइड करेंगे तो यस, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यू नो टेन थीटा इज द साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस कॉस थीटा। थीटा तो डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे 10 स्क्वायर थीटा चाहिए। ओके, तो दैट इंप्लाइज आपको मिलेगा 7 sin² थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos² थीटा अपॉन cos square theta थीटा इज अपॉन इज द 5 अपॉन कॉस cos square स्क्वायर theta। डी। तो व्हाट आई डिड, आई डिवाइडेड बोथ दिस साइड्स बाय cos square theta। तो 7 sin² अपॉन cos square कितना हुआ, 10 स्क्वायर थीटा सेवन cos टेन स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा 3 cos square कैंसिल्ड, तो 3 बचा 5। ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर। 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर फीट। सेक्स स्क्वायर। दैट इंप्लाइज 7 tan² थीटा प्लस 3 इज द 5। सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 - 10 स्क्वायर। आपके पास आइडेंटिटीज क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन टू वन। प्लस तो सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो जो सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह डालो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सो 7 tan² थीटा प्लस 3 इज द 5 प्लस 5 tan² थीटा। ठीक है, यहाँ पे 7 tan² थीटा, ये -5 tan² थीटा हो जाएगा, देन यू गेट 2 tan² थीटा इज इक्वल टू 5 - 3, दैट इज 2। तो 10 स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो 1 टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 1 1 वन।
अच्छा ये पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एक्स क्या होता है अंडर रूट वन, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर देन एक्स क्या होता है, ये कौन सा डिग्री का इक्वेशन, प्लस माइनस टू, ये कौन सा डिग्री का इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, कितने रूट्स होना चाहिए, दो रूट्स होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू होगा प्लस माइनस टू, थीटा का वैल्यू होगा प्लस माइनस वन नॉट वन, प्लस वन हो सकता है माइनस वन भी हो सकता है। अभी सेकंड वन तो निकालो, मिला सेकंड, कि नहीं साइन थीटा इक्वल टू फाइव बाय नाइन, नहीं इसका पूरा एक वैल्यू मिलेगा, यू गेट वन न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन थीटा कैसे फाइव बाय नाइन मिला,
tan theta दिया गया 2/3 and question is the 2 sin theta minus 7 cos theta upon 3 sin theta plus 8 cos theta. Question is the 2 sin theta minus 7 cos theta upon 3 sin theta plus 8 cos theta. This is the question. मुझे tan yes मेरे पास tan theta का result है. Tan theta is the 2/3. ये रिजल्ट मेरे पास है तो मैं ट्राई करूंगा कि ईच एंड एवरी टर्म और न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को पूरा टैन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा मुझे सिर्फ टैन दिखाई देगा पूरे एक्सप्रेशन आपको टैन में दिखाई देगा क्या करोगे इसमें एक्सप्रेशन को कुछ cos theta हाँ क्या करेंगे से डिवाइड करेंगे किसमें सर सबको सबको किसमें डिवाइड करेंगे cos theta से सर यस वेरी गुड डिवाइड बोथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos theta 2 sin theta minus 7 cos theta by cos theta कर दो numerator को मैंने cos में divide किया denominator को भी cos में divide करेंगे 3 sin theta plus 8 cos theta इसको भी cos theta में divide करो तो क्या हो जाएगा 2 sin by cos मिलेगा आपको tan theta minus 7 cos theta upon cos theta You'll get 1 upon 3 sin theta upon cos theta. Again, you'll get 3 tan theta plus 8 cos by cos. Oh, 1 ho jayega. 8 mila. Ab tan theta ke jage 2/3 dal do. 2 into 2/3 minus 7 upon 3 into 2/3 plus 8. So, ye kitna ho gaya? 4 माइनस 21 माइनस 17/3 ये आपका 14/3 ठीक है तो 3 कैंसल माइनस 7/14 इज द आंसर नहीं नहीं सॉरी ये क्या हुआ 24 प्लस 6 30/3 तो आप 3 कैंसिल करना है तो कर सकते हो इधर ये आपका 4 माइनस 21 माइनस 17/3 बट मैं डिनोमिनेटर दोनों का 3 रखना चाहता हूँ तो इसलिए मैं इसको 3 को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ ये हो गया 6 प्लस 24 30/3 3 कैंसिल हो जाएगा -17/30 द आंसर में किसी को 17/18 मिला था समझे यस सर बाकी सबको yes, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यस सर समझ में आ रहा थर्ड वन कोई बताया क्या सिंपलीफाई cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा फिर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इसको पूछा है सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास जो आइडेंटिटीज है
sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो cos square theta क्या लिख सकते हो आप? Come here. What is the cos square theta? 1 minus sin square. 1 minus sin square theta. इसमें मैं a square minus b square यूज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? If I use here a square minus b square, what you'll get? 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. Yes. That means कभी भी cos square theta आपको मिलता है तो आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो. cos square theta also you can write 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. Like that sin square theta also you can write 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. अब डाल दो आप cos square theta के जगह डालो 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. Plus, same thing, 1 plus cos theta, 1 plus sin theta. Into 1 minus sin theta. All divided by 1 minus sin theta. इसमें 1 plus sin theta cancelled. इसमें 1 minus sin theta cancelled. बचा क्या? Here 1 minus sin theta left. Plus, 1 plus sin theta. Sin theta again cancelled. Answer is the समझे कि नहीं. समझा. अच्छा एक सिंपलीफाई कीजिए. इसको टैन में एक्सप्रेस कीजिए. ओके एक्सप्रेस sec raise to 4 minus x square theta in terms of tan theta. Tan theta के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कीजिए. मिला
मिला कि नहीं? अच्छा प्रूव करने के लिए दे रहा हूं मैं, प्रूव दैट sec raised to 4 theta minus x square theta is equal to tan square theta plus tan raised to 4 theta. ये प्रूफ करो. सर मिल गया. मिल गया? हाँ. कैसे किया सर? वो कॉमन लिया sec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा माइनस वन. sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है बराबर. क्वेश्चन था कि sec रेस्ट टू 4 माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों से आप sec square theta common ले सकते हो. take sec square theta common, then you have sec square theta minus one. मुझे answer tan में लिखना है. sec square theta को tan में कैसे लिखोगे? How to write sec square theta in terms of tan? Sir, one plus tan square theta. One plus tan square theta. Into tan square theta. और ये sec square theta minus one you can write tan square theta. अब इसको multiply कर दो. One into tan square theta. That is 10 square theta plus 10 square into 10 square. 10 raised to 4. Thank you.
Find the value of 2 into sine raised to 6 plus cos raised to 6 minus 3 whole into sine raised to 4 plus cos raised to 4 plus 5. ये सम इलेवेंथ में आएगा, क्यों नहीं आएगा? आप पहले बताइए आपका टारगेट क्या है, इलेवेंथ की सीटी की आईआईटी जेई की मेंस, तो आप पहले वो तो बताइए।
आप जेई मेन के लिए बोल रहे हो, फिर जेई मतलब इलेवेंथ का पूछ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। और किसी को कुछ आंसर आया? सर मेरे को भी 4 आया। देखो दोनों आंसर हम निकाल चुके, दोनों का रिजल्ट हमारे पास है, तो फिर भी ये नहीं बन पा रहा तो क्या कर सकते हैं? इसके जगह हमारे पास रिजल्ट आ चुका है 1-3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। For this one, you have result 1-2 sin square theta cos square theta plus 5. So, ye ho gaya 2-6 sin square theta cos square theta minus 3 plus 6 sin square theta cos square theta plus 5. Cancel 2-3-1+5. 4 is the right answer. आपके पास दोनों रिजल्ट्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, उसको यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है, फिर भी आपको चैलेंजिंग लग रहा है। मतलब आप क्वेश्चन देख लिए, आपको लगा कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, ये सब मेंटल मतलब मेंटल गेम। ये आप एक बार दिमाग में रखोगे इट इज हार्ड, तो आपको कभी इजी नहीं होगा। If sine theta plus sine square theta is the one, then find the value of cos raised to 4 plus cos square plus cos square theta plus 2.
सर थ्री और anything else? Sine theta plus sine square theta is the one. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज द वन, देन साइन थीटा क्या होगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा. अब कॉस रेस टू फोर की जगह कितना लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, चाहो तो साइन में चेंज करो, नहीं तो ऐसे ही रखो. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू. व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? वन. आ गया. If cos theta plus sec theta is the 2, and then find the value of 2 sin square theta plus 3 cos theta minus 4 tan theta.
मिला नहीं हुआ रुपेश कुछ मिला
नहीं okay. नहीं सर ठीक है when cos theta plus sec theta is equal to 2 cos and sec ke kya relation hai if you consider cos theta as x to sec theta kya hoga 1 by x to x plus 1 by x became 2 cos theta x hua sec theta 1 by x ho gaya हाँ तो ये याद रखो इफ x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टू दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वन ये होता है मैं इसका भी प्रूफ कर देता हूं तो इसका एलसीएम x होगा तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स implies x square minus 2x plus 1 equal to 0 ये 2x इधर ले लिया ये क्या होता है x square minus 2x plus 1 it is x minus 1 whole square became 0 तो x minus 1 वो भी 0 हो जाएगा that implies x is equal to 1 तो ये कभी आता है तो यू कैन यूज एक्स इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टू देन एक्स इक्वल टू वन इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आप एक्स इक्वल टू माइनस वन लिख सकते हो प्लस टू के लिए प्लस वन होगा माइनस टू के लिए माइनस वन होगा ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो तो आपको क्या मिला मैंने एक्स एक cos theta को x माना था अभी x वैल्यू मुझे 1 मिला इंप्लाइज व्हाट आपको cos theta वैल्यू 1 मिल गया जब cos theta 1 होगा sin theta कितना होगा cos theta वैल्यू जब 1 होता है sin theta का वैल्यू कितना होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है जीरो साइन थीटा जीरो होता है तो व्हेन कॉस थीटा वन साइन थीटा ऑब्वियस जीरो तो टैन थीटा क्या होगा टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा tan theta क्या होता है sin theta upon cos theta cos theta तो sin theta का वैल्यू 0 sin theta upon cos theta तो ये भी 0 upon 1 तो 0 दे दिया तो when cos theta 1 sin theta 0 होता है tan theta 0 होता है अब वैल्यू डाल दो 2 sin का वैल्यू 0 3 cos का वैल्यू 1 minus 4 tan value 0 तो आंसर कितना हो गया 3 समझा हाँ सर If sin theta plus cosec theta is equal to 2, then sin raised to 28 plus cos raised to 48 is equal to what?
सर वन साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू इंप्लाइज व्हाट साइन थीटा कितना होगा सर वन होएगा साइन थीटा वन होगा क्योंकि वही फॉर्मेट आ जाएगा ना हाँ कंसीडर साइन थीटा इज एक्स कोसेक थीटा हो जाएगा वन बाय एक्स तो एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू तो एक्स इक्वल टू वन ऑलवेज तो साइन थीटा वन हो गया जब साइन थीटा वन होगा कोस थीटा कितना होगा जीरो आएगा जैसे ऐसे हुआ कॉस थीटा वन के टाइम पर साइन थीटा जीरो साइन थीटा वन के लिए कॉस जीरो होगा अब डाल दो तो ये वन रेस टू 28 ये हो जाएगा जीरो रेस टू 42 तो आपको आंसर मिलेगा वन If 2 sin theta plus 9 cos theta is the 6, then find the value of 2 cos theta minus 9 sin theta. Thank you.
नहीं नहीं सर, नहीं मिला। ओके आपका क्वेश्चन था 2 sin theta plus 9 cos theta is equal to 6 and आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 cos theta minus 9 sin theta is equal to what? Let this value lambda कुछ मैं ले गया, ठीक है? आप ये दोनों क्वेश्चन चेक करोगे, आपका कोएफिशिएंट, दोनों का कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गया और आपका साइन भी चेंज हुआ। ये 2 sin थीटा था, ये 2 cos थीटा हो गया, 9 cos थीटा 9 sin थीटा हो गया, यहाँ पे प्लस था इसमें माइनस हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ठीक है, स्क्वायर करके दोनों का सम निकालो, मुझे लैम्डा वैल्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा इफ यू एक्सपांड दिस वन आपको क्या मिलेगा? 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 81 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab में आपको मिलेगा 36 sin थीटा cos थीटा। और इसका सम, इसका स्क्वायर निकालोगे यू विल गेट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 81 sin स्क्वायर थीटा माइनस वही 36 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर आपका 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो व्हेन यू एडेड दिस टू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा? 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 81 मतलब 4 कॉमन चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट बिकम 1, तो 4 मिला। लाइक दैट 81 cos स्क्वायर थीटा प्लस 81 sin स्क्वायर थीटा ये आपको 81 दे देगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया? 85 माइनस 36 49। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 7। प्लस माइनस 7, वेरी गुड। तो देयर आर टू, मुझे मेरा क्वेश्चन क्या था, ये वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है ना? तो इसके जगह आ जाएगा आइदर प्लस 7 और माइनस 7। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा मींस 2 cos थीटा माइनस 9 sin थीटा, ये 7 हो सकता है, माइनस 7 भी हो सकता है। समझा? आप लोग के पास बुकलेट है, मिला है कि नहीं? सर ट्रिग्नोमेट्री का बुकलेट? हाँ। नहीं सर, नहीं मिला। मैथ्स का बुकलेट मिला होगा ना कि नहीं मिला है? IITN सब लिखा देता है उसको पर। हाँ 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 सर, वो तो है। तीन बुक है, मॉड्यूल मॉड्यूल 1। यस हाँ, मॉड्यूल लेट्स सेम एज बुकलेट, मॉड्यूल 1 मिला ना? हाँ सर। हाँ, उसमें एक ट्रिगो चैप्टर रहेगा। हाँ सर। उसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज 1। हाँ सर, वो सॉल्व करें। हाँ, उसका 1 to 20 आपका होमवर्क, इन चैप्टर लिखा होगा, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1। हाँ ओके सर। ठीक है, आज जितना हुआ समझ में आया? हाँ, मैं सब का बात कर रहा हूँ। थोड़ा कोशिश कीजिए तो होगा, ऐसा आप गिव अप कर दोगे तो नहीं होता है। ठीक है, चलो bye sir, thank you, thanks, bye bye.